जेईई मेंस 2023 में अपियर होने वाले स्टूडेंट्स, आप सब अपने एग्जाम के डेट को लेकर काफी वरिड हैं। कब आएगा एग्जाम का डेट? तो बेटा, एनटीए ने अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि आपके मेंस एग्जाम की डेट अब कभी भी जारी हो सकती है। एंड यू ऑब्वियसली नो कि आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि nta.ac.in पे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। तो अब तक ये हुआ तो नहीं है, लेकिन अब 2-4 दिन या इस वीक के अंदर ये होना पॉसिबल है। एंड कैंडिडेट्स मस्ट रजिस्टर ऑन jeemains.nta.in पे आप सबको रजिस्टर करना होगा ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में सारी जानकारी ले सकें। एंड एग्जाम जो होगा वो 2 शिफ्ट्स में होंगे। एनटीए हैज नॉट येट ऑफिशियली एंडोर्स द एग्जाम डेट। ये आप जानते हो, एग्जाम डेट अभी आई नहीं है। एंड जो कि डिटेल बुलेटिन होगा ना, टेस्ट इन्फॉर्मेशन की जो बुलेटिन होगी, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग योर सिलेबस, जो कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा सिलेबस में, यानी कि एडिशन डिलीशन, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। हर बच्चे के अलग अलग होते हैं, किसी को कुछ डाउट होता है एलिजिबिलिटी को लेकर, किसी का कुछ डाउट होता है, तो वो सारी क्लैरिटी मिलेगी उस बुलेटिन के बाद। एस्पिरेंट्स कैन ऑल्सो कंसल्ट द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि प्रीवियस ईयर में मिला था एज द रेफरेंस। हालांकि हो सकता है कुछ चेंजेस हों, लेकिन फिर भी आप रेफरेंस के तौर पर उसको देख सकते हो। जेईई एप्लीकेंट्स जो है, उन्होंने एनटीए को सोशल मीडिया के हेल्प से, ट्विटर के हेल्प से एक पिटीशन फाइल की है, जिसके अकॉर्डिंग बच्चे चाहते हैं कि सेशन 1 का जो एग्ज़ाम है वो डिले होके अप्रैल में हो। ठीक, एज इन प्रीवियस ईयर द एग्ज़ाम वुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी स्टाइल में ही टेस्ट हुआ था लास्ट ईयर भी, और आप सबको शायद पता हो कि बहुत सारी दिक्कतें हुई थी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की वजह से। काफ़ी सारी जगहों पे साइट में टेक्निकल इशू, बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस थे, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे जो थे जो एग्ज़ाम में अपियर हुए थे, किसी का स्कोर खराब हुआ, कोई क्वेश्चन पेपर दे नहीं पाया ठीक से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। लेकिन एनटीए ने कुछ उसके बारे में खास किया नहीं था। इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा एग्ज़ाम में। आपको इस बार 2 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी कोविड का कोई सिनेरियो नहीं है, तो 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। तो जो भी है, अभी तक इन्फॉर्मेशन यही है कि आपका अभी आया नहीं है सोशल मीडिया के हेल्प से। शायद हो सके एनटीए आपकी बात सुने या ना सुने, तो आप मान के चलो कि हो सकता है अप्रैल से पहले भी आपका एग्ज़ाम हो जाए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बेसिकली कम से कम इतनी है कि 12th पास होना चाहिए स्टूडेंट आइदर इन द ईयर 2021 और इन द ईयर 2022, सो दैट आप 2023 के मेंस में अपियर हो सके। मीडिया पोर्टल्स के थ्रू जो भी जानकारी हमें मिली है वो हम यही बता सकते हैं कि एंटिसिपेटेड जो डेट है आपके इंफॉर्मेशन के आने की, वो है 30th of November। तब तक शायद अनाउंसमेंट हो जाए कि आपका एग्ज़ाम का क्या डेट होगा, बाकी क्या प्रोसीजर होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग, राइट। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जो भी अपडेट्स होंगी बच्चों आपको चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, और इसीलिए आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जेई कैंडिडेट्स जो है, उन्होंने ऑलरेडी #jeemainsapril को ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, अगर ये हो जाए तो आप बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम डिले होगी तो आप सबके पास टाइम होगा ताकि आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। जो भी होगा बच्चों को चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।